वेब 3.0 एक ऐसी दुनिया जिसमें हर एक बंदा, हर एक आदमी स्वतंत्र है कुछ भी करने का, है ना। किसी को कुछ रोक टोक नहीं है। क्या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ और है? चलो डिटेल में समझते हैं वेब 3.0 क्या है। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहे। ओके अब चलते हैं थोड़ा सा, देखो डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, इतिहास से समझेंगे फ्यूचर की ओर। ओके तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही मानव बने, ओके बंदर से जैसे बोला गया मानव बने, मानव के बाद थोड़ा सा मनुष्य डेवलप होता गया, है ना। थोड़ा एजुकेशन डेवलप होती गई, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। तो जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, वेब 1.0 आया। उस समय हम लोग क्या करते थे, टेस्ट के फॉर्मेट में अगर किसी से बात करनी होती थी तो हमें केवल टेस्ट के फॉर्मेट में बात कर सकते थे। आप लोग बहुत लोग जान गए होंगे, है ना, जो 90s या 20s के होंगे, वेब 1.0 को देखे होंगे, रियलाइज किए होंगे कि उस समय अगर 1 GB डाटा भी लेना पड़ता था ना तो बहुत महंगा पड़ता था। अपन लोग वीडियो तो यूट्यूब तो आया नहीं था, और वीडियो देखना तो छोड़ दिया था, मतलब वीडियो पता ही नहीं था क्या होता है। किसी से मिलना भी होता था, फिजिकल मिल सकते हैं, ऑनलाइन कोई मीट नहीं था। तो उस समय 1.0 की दुनिया थी, जहां पर पूरा एक वेबसाइट की तरह होता था, केवल हम रीड कर सकते थे। तो आप एक शॉर्ट में समझो वेब 1.0 क्या है, तो केवल समझ लो कि रीड कर सकते हैं, है ना। उस दुनिया में हम केवल रीड कर सकते हैं, रीडिंग होती थी। ओके फिर धीरे धीरे डेवलप होता गया, है ना, एजुकेशन डेवलप होता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, फिर वेब 2.0 आया। अब उसमें क्या होने लगा कि फेसबुक आने लगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने लगी। जितनी भी थर्ड पार्टी आने लगी वो वेब 2.0 में आने लगी, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एंड यूट्यूब हो गया, ठीक है, बहुत सारे, जोमेटो, स्विगी, सब कुछ आ गए। ये वेब 2.0 अब तक जो आ रहा है ये है। अब इसमें हमें दिक्कत क्या होती थी, देखो हम लोगों को लगता था कि ये बहुत अच्छा है। जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसी से हमें बात करनी होती थी, जूम कॉल के थ्रू बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी से मिलना होता था तो हम लोग जूम कॉल के थ्रू मिल लेते हैं। हमें कहीं भोजन, कुछ खाना मंगाना होता था, जोमेटो स्विगी के द्वारा खाना बना आराम से ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो अपन लोगों को लगता था कि बहुत ईजी जिंदगी हो गई है। बट इसमें एक दिक्कत ये थी कि इसको मैनिपुलेट किया जाता था, इस मार्केट को, ठीक है। अब ध्यान, अब समझते हैं कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता था, कैसे कोई मिस यूज करता था अपने डाटा का। अब होता क्या था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग जैसे करता था, उसमें क्या होता था, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, आप रोज से बात कर रहे हो, उससे फोन करके बात कर रहे हो कि यार मेरे को भूख लगी, चैट समझ लो व्हाट्सएप के थ्रू आप बात चैटिंग कर रहे हो, एंड आप उनसे बोलो कि चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। वो भी दोस्त बोलता है, कोई ग्रुप है, तो बोलते हैं चलो ठीक है आज पार्टी रखते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद आप देखते हो कि आपको ऐड दिखता होगा पिज्जा का, या फिर आप कहीं जोमेटो स्विगी में इनरोल करते होगे, है ना, केवल जस्ट देखने के लिए कि कितना रेट है, कैसा क्या है। आपको नोटिफिकेशन आती होंगी, ठीक है, आपको मैसेजेस आते होंगे, कॉल आते होंगे कि आपने इसको देखा है, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, ऐसा कुछ आता है ना, हर एक बंदे के पास आता है। तो आदमी को क्या लगता था कि देखो अभी हमने याद किया इस खाने को, और खाना हमारे लिए ऐड के बन के आ गया। जैसे एक डायलॉग नहीं होता, जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात मिलाने में से लग जाती है। तो वो लोग सोचते थे कि देखो हमने पिज्जा, हमारा दिल से चाह था पिज्जा खाने का, तो मन से चाह तो वो पिज्जा वाकई डिलीवर करने के लिए कॉल करने लगा या मैसेज करने लगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं था, मिस यूज करते हैं वो आपके डाटा को। जैसे आप वो किसी को स्क्रॉल करते हो, इनरोल करते हो कहीं, चल सपोज करो स्विगी या जोमेटो पर इनरोल करते हो, तो आपका डाटा जाता है उसमें, सेव होता है, ठीक है, जो भी आप क्लिक करते हो ना उसमें सेव होता है कि आपने यहाँ क्लिक किया, ऐसा क्लिक किया। तो ये होता है वेब 2.0। उसका मिस यूज क्या करते थे, आप लोग देखोगे फेसबुक कितनी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, आए दिन डाटा लीक करने की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। उन्होंने क्या किया था फेसबुक ने, कि अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति थे जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उनके केसेस, उनके फेवर में उन्होंने कुछ पोल कर दिए थे। यानी कि सपोज करो कि एक फेसबुक में पोल कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो भी उनकी अगेंस्ट पार्टी थी, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिता लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास डाटा है, वो कैसे भी लोगों को मैनिपुलेट करवा सकते हैं, ठीक है। आप यस में क्लिक करोगे तो नो भी उनको बताएंगे डाटा, क्योंकि आप तो यस में क्लिक कर रहे हो, बगल वाला भी यस में क्लिक कर रहा है, लेकिन आप लोगों को तो नहीं पता ना सब में कौन कौन यस में क्लिक किया है, कौन चाहिए अगला राष्ट्रपति। लेकिन वो जो दिखाएंगे आपको लगेगा कि ये हम लोगों का एक रिजल्ट है, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे मिस यूज करते थे, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली, तो इसका बहुत लोग मिस यूज करने लगे। यूज होता था लेकिन मिस यूज ज्यादा होने लगा।
तो जैसे जैसे कोई चीज आती है ना प्रॉब्लम में, तो उसका सोल्यूशन बन के आता है। सोल्यूशन क्या बन गया है? वेब 3.0। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या चीज एंड इससे हम लोग बेनिफिट कैसे ले सकते हैं इस बदलती हुई दुनिया में। तो हम देखो, इसमें पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पूरा वेब 3.0 आया है। इसमें क्या है कि आप लोग कहीं से सपोज करो खाना ऑर्डर कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका डाटा नहीं सेव होगा। कोई आपको कॉल करके या मैसेज करके या फिर कहीं जीमेल में कुछ भी, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आपने ये खाना इंटरेस्टेड किया था लेकिन आपने मंगाया नहीं है। या फिर किसी से बात कर रहे होगे तो कहीं कुछ नहीं आएगा। क्यों? डाटा सेव होने की बात करो, डाटा लेता भी नहीं है। मिसयूज करने की बात ही छोड़ो, वो डाटा लेता ही नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि एक ब्लॉक बनी होती है जिसमें आपका सर्किल होता है पूरा, है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में आप देखना कहीं वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। उसका मेन यही मतलब होता है कि कहीं डाटा आपका सेव नहीं है, ठीक है। वो पूरा ब्लॉक बाय ब्लॉक चलता रहता है, ठीक है, चैन बाय चैन चलता रहता है, कहीं भी डाटा सेव नहीं होता। तो ये वेब 3.0 है। इसका हम लोग बेनिफिट अब कैसे ले सकते हैं, अब आते हैं बात पर। देखो यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो कॉइन्स आते हैं, टोकन्स आते हैं। अब जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे, है ना, वेब पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, गूगल के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, ये वेब 2.0 था। अब वेब 3.0 में क्या है, हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस पर ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना। इथीरियम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे सपोज थ्रू इथीरियम का बहुत सारे ऐप आ गए हैं थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे हैं, कि आप लोग इथीरियम के थ्रू पैसे, जैसे आपको इथीरियम भेजना है तो इथीरियम गैस फी के रूप में लगती है, बिटकॉइंस गैस फीस के रूप में लगता है, माना कॉइंस है तो माना गैस फी के रूप में लगता है। तो हम लोग एक दूसरे से कहीं भी किसी को पैसे भेज सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं एंड कोई भी देखने वाला नहीं कि आपका पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे बोलते नहीं कि एक सीसीटीवी कैमरा, 2.0 में एक सीसीटीवी कैमरा था जो आप लोगों को 24 घंटे की निगरानी रखते थे, लेकिन वेब 3.0 में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आपको फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो एंड कहीं से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये है वेब 3.0। इससे हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, टोकन के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा सीखो, है ना। कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स के पीछे फंडामेंटल रीजन होता है। अब जैसे माना कॉइन्स है, माना कॉइन्स के एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, तो वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल लैंड खरीदने के लिए यूज होता है माना कॉइन्स का। जैसे आपको कैब खरीदनी है, ठीक है, अब आपको कैब खरीदने के लिए कॉइन्स के थ्रू कैब खरीदना पड़ेगा एंड जब आप खरीदोगे कैब किसी से, तो आपका कहीं ट्रांजेक्शन शो नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा फलाना नहीं कैब खरीदा है, ताकि आपको दोबारा यूज कर सके, नोटिफिकेशन दे सके कि आपने एक बार कैब खरीदा, एक बार और खरीदना चाहोगे या फिर ऑफर है, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। तो हम लोग टोकन में पैसा डाल सकते हैं ताकि वो टोकन की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग अर्निंग करेंगे। तो ये जनवरी के बाद इसमें बहुत सारे आने वाले स्टार्टअप आने वाले हैं, ठीक है, एंड इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो आप लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे होता नहीं कि एक कहानी होती है कि बदलती दुनिया में बदल जाओ, नहीं तो दुनिया खुद बदलती है ना। तो यही सेम है कि आप लोग इस चीज को ग्रैब करना स्टार्ट कर दो कि 3.0 क्या है, इसको सीखो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। जैसे अब ऑनलाइन, जैसे कोरोना टाइम में ऑनलाइन आ गया, तो काफी लोग जो ऑनलाइन को नहीं जानते थे उनको प्रॉब्लम होती थी, फिर भी उन्होंने सीखा। सीखा क्या? सीखना पड़ा, है ना, क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन है तो उनको सीखना पड़ा। तो ऐसे कंडीशन ना बने, इसलिए धीरे धीरे ग्रैब करना स्टार्ट कर दो, 3.0 को सीख जाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना नहीं, इतना ही। एंड आपको वेब 3.0 में सबसे बेस्ट क्या चीज लगी एंड सबसे खराब क्या चीज लगी वो भी बताओ एंड कमेंट में बताना। इसके बाद आगे वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट बताना। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।